हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सफर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कमल, और आज मैं आपको लेकर चलूंगा दोस्तों सुकुल दईहान का प्रसिद्ध चंडी माता का मंदिर, जो कि दोस्तों राजनाथ गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अंडर ब्रिज के रास्ते से ले चलते हैं आपको पालिका चौक, ममता नगर, राजनाथ गांव, छत्तीसगढ़। ब्रिज क्रॉस होते ही मोतीपुर आ चुका है आपका। मोतीपुर नया गांव से दोस्तों हमें जाना होगा सुकुल दईहान। तो दोस्तों पहले रास्ते में मिलेगा दोस्तों चंडी मंदिर, पहले आपको वहां का दर्शन करवा लेते हैं। इस रूट में दोस्तों मार्केट लगी हुई है, और यहां मार्केट लगता है ग्राम पंचायत सुकुल दईहान। तो मंदिर के लिए दोस्तों हमें सीधे ही जाना होगा आगे। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं चंडी माता मंदिर बमनी शुक्ल दईहान, आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। मंदिर के सामने दोस्तों एक छोटा सा हनुमान मंदिर मिलेगा आपको, और मंदिर के जस्ट बाजू में दोस्तों आप अगर जैसे प्रसाद अगर लेना चाहते हो दोस्तों मंदिर में चढ़ाने के लिए, तो आप यहां से ले सकते हैं। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं माँ चंडी माता मंदिर बमनी शुक्ल दईहान, हम सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय माता रानी, माँ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। पंडित जी, इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए आप। मंदिर बहुत प्राचीन समय से है, लगभग 100 साल से, और यहाँ लाखों लोग हर नवरात्र में, दोनों नवरात्र में करीबन 600 जोत जलता है, और दर्शनार्थी यहाँ से डोंगरगढ़ के लिए भी यहीं से जाते हैं दर्शन करने के लिए। ये राजनांदगांव से डोंगरगढ़ रोड में स्थित है, और यहाँ मनोकामना पूर्ण बहुत जल्दी होती है, इसलिए भक्त यहाँ पर आते रहते हैं 24 घंटे, मतलब दिन रात यहाँ पर दर्शनार्थी लगा रहता है। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चंडी माता का मंदिर का पहले हम परिक्रमा कर लेते हैं। इस तरफ है माता रानी का मंदिर, और इस तरफ है ज्योत कलश कक्ष, जहाँ नवरात्र में आएंगे तो आपको जहाँ ज्योत कलश जलाया जाता है, तो मान्यता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जो माता रानी के पीठ के पीछे दोस्तों यहाँ से मन्नत मांगते हैं और यहाँ बांधते हैं, उसका खास महत्व है। देख सकते हो मंदिर के जस्ट बाजू में ही दोस्तों माँ काली माता का मंदिर है। काली माँ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। तो यहाँ का जो कुआं है दोस्तों काफी प्रसिद्ध है, वहाँ पे रास्ता है। जिसका रास्ता इस ओर से है, काफी लोग यहाँ ज्योत कलश विसर्जन देखने एवं विसर्जन करने आते हैं। इस कुएं का घेराव दोस्त देख सकते हैं दोस्तों पूरा कलश से बना हुआ है चारों तरफ, और जो यहाँ का जो कलश है दोस्तों यहाँ विसर्जित किया जाता है। और काफ़ी यह कुआं दोस्तों लगभग 100 साल पुराना है, और काफ़ी बड़ा कुआं है दोस्तों आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, और दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को इनेबल करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर।